सिरमौर जिला में बीती शाम को हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। हादसा बीते शाम संघाट पुलिस थाना के तहत भलाड़ के समीप पेश आया था। पुलिस के मुताबिक बस में 20 लोग सवार थे, जिनमें 1.5 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। गनीमत ये रही कि बस दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बांध के पेड़ों में जा रुकी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक HRTC बस नाहन से रतवा की तरफ जा रही थी। इसी बीच भलाड़ के पास कैंची मोड़ पर बस खाई की तरफ लुढ़कते हुए बांध के पेड़ों से जा रुकी। हादसे के तुरंत बाद ही स्थानीय ग्रामीणों ने बस की खिड़कियों से यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में 11 घायल आज नाहन में भर्ती किए गए हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है, जबकि 3 लोगों को PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। मैं एक जो है HRTC की गाड़ी रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस हमारे पास पहुंचे हैं, जो टोटल हमारे पास केसेस हैं वो 10 हैं लगभग, जिसमें से कि टोटल हमारे पास 10 केस, जिसमें 3 हमने, एक को कल रात ही हेड इंजरी का केस था जिसको कल रात रेफर कर दिया था, 2 हमारे पास आज सुबह ही पहुंचे हैं, जिनमें से एक की फ्रैक्चर फीमर है, साथ में प्रेगनेंसी भी है उसको, और एक केस हेड इंजरी का। तो टोटल हमने जो 3 केसेस हैं रेफर किए हैं, बाकी 6 केसेस हमारे पास एडमिट हैं अभी यहाँ पे, और एक केस को हमने एग्जामिन करके जो है डिस्चार्ज कर दिया यहाँ से। उज्जवल हिमाचल के लिए नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।